वही नॉर्मल वीडियो बना बना के मैं हो गया हूँ बोर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक वीलॉग स्टाइल वीडियो बना ली जाए। ये ओके गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको डाविंची रिजॉल्व के बारे में एक मैजिकल चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपके पास पुराना लैपटॉप या पुराना डेस्कटॉप है और जिसको कि आपको लगता है कि वो बहुत वीक है और उस पर डाविंची रिजॉल्व नहीं चल सकता, तो मैं आपको आज एक ऐसी जादुई सेटिंग बताऊंगा जिसकी वजह से आप अच्छी खासे पुराने सिस्टम पे भी 4K तक की एडिटिंग कर सकते हो डाविंची रिजॉल्व में। अब अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो तो आज आपके लिए ही मैंने स्पेसिफिकली बनाई है। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको अपने लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा लैपटॉप है इसमें सिर्फ 8GB रैम है और ये i7 तो है लेकिन काफ़ी पुराना है। तो अब हम अपनी फाइल्स इंपोर्ट करते हैं जिस पे मैं आपको एडिटिंग करके दिखाऊंगा। तो ये जो दो फाइल हैं इन दोनों को मैं यूज़ करूँगा एडिटिंग के लिए। यहाँ पे लाते हैं, इसको नो चेंज करके छोड़ देंगे। एंड देन अब मैं आपको पहले ये दिखाना चाहूँगा कि ये दोनों फाइल ही देखिए, ये दोनों 4K हैं। आप साइड में देख सकते हैं मेटा टैग में कि ये दोनों ही 4K फाइल हैं। तो अब हम जाके एडिटिंग की टाइमलाइन खोल लेते हैं। पहले यहाँ पे मैं एडिटिंग की टाइमलाइन खोल लूँगा। नॉर्मल फाइल ज़रूर 4K हैं लेकिन मैं टाइमलाइन HD ही खोलूँगा, क्योंकि अगर मैंने 4K टाइमलाइन खोल ली तो सिस्टम पूरा चौक हो जाएगा, क्योंकि एनीवेज ये बहुत ही पुराना सिस्टम है। तो मैंने यहाँ पे HD टाइमलाइन खोल ली और अब मैं एक एक करके इन क्लिप्स को अपनी टाइमलाइन पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्लिप्स को सिंपली ड्रैग करके नीचे लाने में ही कितना टाइम लग रहा है। तो इससे पता लगता है कि कितना वीक सिस्टम है जिस पर मैं ये क्लिप एडिट करने की कोशिश करने वाला हूँ। और अब मैं इसको चलाऊँगा और आप देखिए यहाँ पर क्या स्पीड आ रही है, किस फ्रेम रेट पर प्लेबैक हो रहा है, मतलब 4.55, जबकि ये 24 FPS वाला सेटिंग है और कितनी स्लो प्लेबैक हो रहा है। इस प्लेबैक पे कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, बहुत ही चॉपी लुक आएगा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और मैजिकली इतने पुराने सिस्टम पे कैसे अमेजिंग तरीके से इसी फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो हम नया प्रोजेक्ट खोलेंगे एक, और नया प्रोजेक्ट खोलने के बाद ये जो आपका नीचे राइट हैंड साइड में बॉटम में आपका ये कि आइकन आएगा, ये रेंज टाइप का बना हुआ है, ये प्रोजेक्ट सेटिंग है, इसमें आएंगे। इसमें आने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे ऑप्टिमाइज मीडिया ये ऑप्शन इस पर आना है। ये आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आप ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज मीडिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो दोनों सेटिंग है ना, इसमें आप SQ स्टैंडर्ड क्वालिटी सिलेक्ट कर लेंगे, SQ स्टैंडर्ड क्वालिटी दोनों में, नीचे की दोनों सेटिंग में, और यहाँ पे 1 सेकेंड डाल के इसको सेव कर देंगे। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में हम जाएंगे प्लेबैक में, प्लेबैक में रेंडर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम यूज़र सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया सेकंड स्टेप। और जो थर्ड स्टेप है गाइस, उसमें आपको अपनी दोनों क्लिप जो भी 4K क्लिप थी उन दोनों को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे हम। और इंपोर्ट करने के बाद इन दोनों क्लिप्स को आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आएगा ऑप्टिमाइज मीडिया और बस ये करेंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगाएगा। अब ये सेटिंग क्या कर रही है कि ये आपके मीडिया को ऑप्टिमाइज कर रही है ताकि आपके पुराने सिस्टम पे ये मीडिया आराम से एडिट हो सके, आराम से चल सके बिना किसी अड़चन के। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब मैं यहाँ पे फिर से HD टाइमलाइन बना लेता हूँ और इन दोनों क्लिप्स को मैं 4K क्लिप्स हैं जो कि दोनों, इनको यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसको सेव दबाऊंगा एक बार ताकि हमारा सब कुछ सेव हो जाए चलाने से पहले। और ये सेव हो रहा है और सेव हो गया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ और गाइस ये देखिए पूरा 24 एग्जैक्टली सेम प्लेबैक चल रहा है जितने पे ये क्लिप शूट हुई है उतने पे। अब आप इमेजिन कर सकते हैं 2015 के लैपटॉप पे जिसका कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उस पे भी ये 4K क्लिप को प्लेबैक कर पा रहा है फुल फ्रेम रेट सेटिंग पे। तो ये है अमेजिंग सेटिंग जो कि मैं सबको रिकमेंड करूँगा। टाटा भाई क्या लगाया है राजवी?
व्हाट इज दिस चिंटा गाइस ये चिंटा है ठीक है और आप लोग भी अगर धूप में निकले तो अपना अपना चिंटा लेके निकले और चिंटा अगर आपके पास नहीं है तो एक बढ़िया सा चिंटा मार्केट से खरीद लें है ना मेबी यस ओके गाइस तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपका कोई सवाल है कोई डाउट है तो आप मेरी वीडियो पर नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे भी अपने सवाल पूछ सकते हैं ठीक है ओहो क्या हो गया लगी गाइस मेरी बेबी की लगी है तो मेरे को उसको सही करने के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि उसका पर्सनल डॉक्टर नहीं हूँ यू एंजॉय हैव फन एंड आई विल सी यू सून बाय बाय